और यार पोस्टपोन जेई पोस्टपोन नीट को लेकर के वापस से मूवमेंट चल चुका है। देखिए आप ट्विटर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से 26 नंबर पे ट्वीट आ चुका था पोस्टपोन जेई पोस्टपोन नीट इन कोविड। तो यार ये जो पोस्टपोन जेई और पोस्टपोन नीट का पूरा मूवमेंट है इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बच्चों में मतलब डिफ्रेंसेस है। कई बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि हमें पोस्टपोनमेंट नहीं चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स अगर अभी नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी और फिर एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकती है। तो यार कई बच्चे ऐसा अपोज भी कर रहे हैं और कई बच्चे सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 34.8 के ट्वीट्स हुए थे, मतलब 34,000 से 35,000 ट्वीट्स हुए थे और इसी के कारण ये ट्रेंडिंग में आ चुका था। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर बच्चे सपोर्ट में है पोस्टपोनमेंट को लेकर के, तभी इतना बड़ा ट्वीट मूवमेंट चल पाया। तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे। आप को जीरो ईयर डिक्लेयर कर देना चाहिए और जीरो ईयर का मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि जीरो ईयर अगर हम लाते हैं तो इसका इफेक्ट आपके एकेडमिक कैलेंडर पे पड़ेगा, क्योंकि जीरो ईयर हम जब बोलते हैं जब आपके उस पूरे ईयर में कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी ना हुई हो, मतलब ना पढ़ाई हुई हो, ना अटेंडेंस लगी हो, ना फिर किसी भी तरह की कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया गया हो। और अगर ऐसा होता है तो आपका इसका इफेक्ट पड़ेगा आपके करियर पे भी। मतलब अगर आप अपना करियर का पाथ देखेंगे तो उसमें एक साल आपका मिसिंग लगेगा कि ये साल आपका जीरो ईयर था, क्योंकि यार एग्जाम सेंटर से आप निकलेंगे, टीचर्स निकलेंगे, स्टूडेंट्स निकलेंगे और फिर अपने फैमिली मेंबर्स को जाके आप इंटरेक्ट करेंगे, फिर फैमिली मेंबर्स से आपके जो है अलग अलग लोगों को इन्फेक्शन होगा। तो इसी तरह की समस्या आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर इन्फेक्शन फैल सकता है एक छोटी सी इंटरेक्शन से, क्योंकि आप छोटी मोटी बात नहीं कर रहे यहाँ पर, आप 17 से 18 लाख बच्चों को एक तरह से साथ में ला करके एग्ज़ाम दिलाना कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दूँ कि अभी लास्ट बार जो पोस्टपोन हुआ तो उस टाइम भी एडमिट कार्ड आने की डेट पर ही पोस्टपोन हुआ, 3 जुलाई को एडमिट कार्ड आना था और उस टाइम इसे पोस्टपोन करा गया। तो यार इसी तरह के जो मोमेंट चलते हैं तो इसका रिजल्ट आपको देखने मिलता है जब एडमिट कार्ड आता है। तो इससे पहले भी एग्ज़ाम्स हो चुकी है हमारे इंडिया में और वहाँ पर किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करा गया और इसके कारण कई सारे बच्चे को कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और ये तो ऑफिशियल फिगर है, एक्चुअल में कितना ज़्यादा बच्चों को कोरोना हुआ होगा इसका कोई भी फिगर अभी तक गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी बच्चे को ट्रैक करना इतना पॉसिबल नहीं है। एक बार अगर उसने एग्ज़ाम दे दी फिर उससे किसको कोरोना हुआ किसको कोरोना हुआ इसको ट्रैक करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जितना नंबर हमारे पास निकल के आता है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं होती है, वो सिर्फ एक नंबर होता है और उसके पीछे की रियलिटी कुछ और होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं हमारे कंट्री में जहाँ पर कि ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो पीक आने वाला है, जो सेकंड पीक जो आएगा सितंबर में जो आने वाला है, तो इसी के कारण यार काफ़ी ज़्यादा जो ऐसा प्रेडिक्शन कराए जा रहे हैं कि सितंबर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हमें देखने मिल सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग इतने सारे बच्चों को टेंशन है कहीं ना कहीं अपने हेल्थ की और अपने पेरेंट्स के, अपने एल्डर वंस मतलब अपने जो ओल्ड वंस है मतलब अपने जो दादा दादी है, नाना नानी है, उनकी जो हेल्थ है उनको लेकर के चिंतित है, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है तो आप बच सकते हो, पर अगर आपके एल्डर्स को अगर हो गया इन्फेक्शन, अगर आपके एल्डर्स को इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पर जो मॉर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब ये मूवमेंट अगर एक टाइमली चलता है, एक टाइम में चलता है, तो इसके कारण इस मोमेंट को एक तरह से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अगर एक ही टाइम पे 10,000 लोग ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंडिंग में आएगा, अगर पूरे दिन में अलग अलग टाइम पे लोग ट्वीट करेंगे तो वो ट्रेंडिंग में आने से बच जाता है। तो इसी तो दोस्तों यही था एक शॉर्ट सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं इस मोमेंट को और पोस्टपोन जेई पोस्टपोन नीट को, तो आपको क्या लगता है कि अभी से पोस्टपोन के लिए मोमेंट चलाना सही बात है या फिर अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और थोड़ा सा मतलब जब एग्ज़ाम डेट पास में आए जब मोमेंट चलाना चाहिए? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर, आपके क्या विचार है आप नीचे कमेंट में बताइएगा। खैर मुझे तो यही लगता है कि अच्छा है कि मोमेंट चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मैसेज जाता है कि हमें सिक्योरिटी और अच्छी व्यवस्था करने की ज़रूरत है और अगर हम व्यवस्था नहीं कर सकते अच्छी तो कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा कि नीट और जेई को पोस्टपोन भी करना पड़ सकता है। तो देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है और किस तरह के मेजर चेंजेस हमें देखने मिलते हैं इस साल। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए दोस्तों लास्ट तक।